शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले दे कतल दे इंसाफ दे लई कल मापियां दी अपील ते मानसा दे विच वड्डी गिणती दे विच कढ़े गए कैंडल मार्च तों दूसरे दिन अज पुलिस दे वल्लों इस कतलकांड दे विच चार्जशीट कीते जाण दी संभावना है। इस मामले दे विच इक होर अपडेट ए वी मिल रही है कि कतल मामले दे विच पंजाब पुलिस ने दो होर लोकां नूं नामजद कीता है जिहड़े कि पंजाबी संगीत इंडस्ट्री दे नाल जुड़े हुए ने। इन्हां दोहां दे खिलाफ सिद्धू दे पिता बलकौर सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई सी। दूजी अपडेट पंजाब तो बाहरों मिल रही है पर इस कतल केस के नाल किसी ना किसी तरीके नाल जुड़ी हुई है। विदेश की धरती फिलीपाइंस तो खबर सामने आई है जिथे गैंगस्टर मनदीप मनीला का गोलियां मार के कतल कर दिता गया। मनदीप मनीला गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के दुश्मन गैंग का मैंबर सी अते पंजाब का रहने वाला सी। पिछले कई सालों तो मनीला दे विच रह रहा सी। ए जिहड़ा दावा किया जा रहा है एक ऑडियो के जरिए मनदीप मनीला बंबीहा ग्रुप का जिहड़ा मैंबर है वह दस्या जा रहा है। कई सालों तो यह मनीला दे विच गैंग दीयां गतिविधियां नूं कहिंदे अंजाम दिंदा सी। इस कतल नूं भी सिद्धू मूसेवाले दे कतल नाल जोड़ के देखिया जा रहा है क्योंकि गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दा जिहड़ा मुख सरगना है उस दे ही गैंग दे एक बंदे दीपक मुंडी दे वल्लों एक कतल कीते जाण दा दावा कीता जा रहा है। ते दीपक मुंडी ओ है जिहड़ा सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच हाले तक फरार शार्प शूटर है जिहड़ा कतल वेले मौजूद सी जिसने सिद्धू मूसेवाले नूं गोलियां मारियां सी पर हाले तक पुलिस दी गिरफ्त दे विच इह नहीं आ सकिया। सो ऑडियो जिहड़ा वायरल हो रहा है उस दे विच बोलण वाला जिहड़ा व्यक्ति है वह अपने आप नूं दीपक मुंडी दस रहा है सिद्धू दे कतल दे विच नामजद है। दावा भी कर रहा है कि कतल लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने करवाया। ऑडियो दे विच ये भी कह रहा है कि गोल्डी बराड़ दे कहण ते मनदीप मनीला नूं मौत दे घाट उतारिया गया है ताकि बंबीहा गैंग नूं सबक सिखाया जा रहे। बंबीहा गैंग नूं धमकी दित्ती गई है। हालांकि असी इस गल की पुष्टि नहीं करते कि आवाज़ गैंगस्टर दीपक मुंडी दी ही है। ऑडियो दे विच की कुछ ये कह रहा है वह थानू सुनाउंदे आ। ये जो मनदीप धारीवाल फिलिप्स ने जो मारा जो अपना भाई गोल्डी बराड़ ने मरवाया है ठीक है। ये मीडिया वाला ये जो न्यूज फैला रखी है ना फेक न्यूज और ये जो अपना मनोर रूपा भाई को फेक इनकाउंटर करेगा इसको बहुत जल्द बदलाव होगा। ये सब बदलाव होगा ये जो इतिहास का पन्ना में लिखा जाएगा। और ये बम्बई ग्रुप और ये कोसलर बोवानिया ये टुच्चा गुंडा जो पोस्ट गिर जाए ना मैंने बहुत जल्द दिखाऊंगा कि क्या करे जा सका है मैंने मार के सब बदल लियो जाएगा इतिहास का पन्ना में लिखी जाएगी। बाकी अणगन किमें होने जाने नहीं है ये पोस्ट गिर सके बहुत जल्द को भी काम करके दिखावा। और जो ये पटोदी रेवाड़ी एरिए का अंदर ठेका खातर ठेका मारे का नहीं अणगन किमे नहीं है सब किम मारे करना है ठीक है। अणकि न कोई होगा तो न कोई और किमे ही दे रहा और बहुत जल्द दिखावा तमीन काम के कर सका के नहीं। बाकी सब ने भी रोज मूसाला को हाल हो है वो हाल को हो ठीक है भाई। ये बाली बुली रेने ने गलान फोड़ दिया था ये भाग्य भी फोड़ा आने बच गया था ये ठीक है भाई। सब ने जय बोलकारी जय बजरंग बली लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप भाई। इस तो पहला बुधवार नूं भी बंबीहा गैंग ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई जग्गू भगवानपुरिया गोल्डी बराड़ ते पंजाबी गायक मन कीरत औलख नूं मूसेवाला कतल मामले दे विच धमकी दित्ती सी। गैंग ने कहा सी कि चाहे किन्ना भी समा लगे पर असीं तुहानूं सब नूं सबक सिखा के हटांगे। उस तो बाद केंद्र दीआं खुफिया एजेंसियां ने पंजाब दे विच मुड़ गैंग वार दा खदशा जताया सी जिस तो बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब दे डीजीपी नूं अलर्ट भेज दित्ता सी कि पंजाब दे विच सुरक्षा वधाई जावे क्योंकि गैंग वार हो सकती है। खास तौर पर लिखा गया सी कि बंबीहा गैंग अते लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे विच कोई भेड़ हो सकती है। जग्गू भगवानपुरिया ते लॉरेंस बिश्नोई नूं जदों पेश कीता जांदा उस वेले खास ध्यान रखिया जावे ते पंजाब पुलिस अलर्ट ते है। तीसरी अपडेट भी दस दिंदे आं जो कि सिद्धू मूसेवाले दे नवे आउण वाले ट्रैक दे नाल जुड़ी हुई है। 2 सितंबर नूं गीत रिलीज़ होण दी खबर सामने आई सी। वीरवार नूं म्यूजिक कंपोजर सलीम मर्चेंट ने अपने सोशल मीडिया राहीं सिद्धू मूसेवाले ते अफसाना खान दे नवे ट्रैक जांदी वार दी रिलीज़ डेट दा ऐलान करदिआं दस्सिआ कि प्रशंसकां दे वार वार कहण ते असीं 2 सितंबर नूं इह गाणा रिलीज़ करन जा रहे हां। नाल ही उन्हां ने गीत तों इकट्ठी होण वाली आमदन दा इक हिस्सा मूसेवाले दे मापिआं नूं दित्ते जाण दा ऐलान वी कीता सी पर हुण मापिआं ने पिता बलकौर सिंह दे सोशल मीडिया अकाउंट राहीं इस गाणे नूं रिलीज़ ना करन दी अपील कीती है। तो अब वो समय आ गया है। ये गाना हमने पिछले साल जुलाई 2021 में रिकॉर्ड किया था चंडीगढ़ में। मेरी अफसाना खान से मुलाकात हुई पिछले साल और उसने मुझे सिद्धू से मिलाया एंड सिद्धू का पैशन अपने आर्ट के लिए गाने के लिए
अपने लोगों के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए उसकी जो सोच है वो सुनकर मुझे बहुत खुशी मिली। एंड विद इन नो टाइम हमने साथ काम करने का डिसीजन ले लिया। इस गाने की रिकॉर्डिंग मेरे दोस्त सचिन आहूजा के स्टूडियो में चंडीगढ़ में हुई और एक बहुत ही इमोशनल, ब्यूटीफुल, हार्ट टचिंग सॉन्ग रिकॉर्ड किया। सिद्धू ने बहुत ही दिल से ये गाना गाया है और फिर अफसाना खान ने भी इस गाने में चार चांद लगा दिए। इंस्टाग्राम पेज ते पोस्ट पाई हुई है जो लिखिया हो थानू पढ़ के सुनाने हैं। लिखिया, सलीम सर, असी सारे तुहाडा बहुत सत्कार करते हैं पर इस रिलीज़ नू हाले तक सिद्धू मूसेवाले दे परिवार वालों अधिकारित नहीं किया गया है। असी तुहानू कई बार बेनती की है, जो तुसी शुभ वीर दे छड्डण तो सिर्फ तीन चार दिन बाद ही गीत रिलीज़ करना चाहते सी, उस समय भी शुभ वीर दे पिता ने थानू गीत रिलीज़ रोकण लई एक वॉइस नोट भेजा सी। परिवार कुछ समा लै सकदा है, फिर तुहाडे नाल प्रोजेक्ट के पूरे वेरवियां ते चर्चा कर सकता है, समझ सकता है, उन्हां मुताबिक भविष्य की योजना बारे तय किया जा सकता है। मैं थानू हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि भावें असी वख-वख लोकां द्वारा अनरिलीज़ ते लीक कीते गीतां नू पेश करन तो निराश हाँ, असी तुहाडे वर्गे जाने पछाणे कलाकार ते पेशे तो समर्थन प्राप्त करन दी उम्मीद कर रहे हाँ। परिवार की पुष्टि ते प्रवानगी तो बिना कोई भी गीत है जिहड़ा ओह रिलीज़ ना किया जाए ते ना ही तुसीं करोगे। जल्दी ही तुहानू मिल के निजी तौर पर इस प्रोजेक्ट बारे विचार वटांदरा करके सिद्धू दे माता पिता नू बहुत खुशी होगी जे तुसीं इस दे लई राजी होवोगे। उम्मीद है कि तुसी इसनू समझोगे, अजिहे समय दे विच साडा साथ देवोगे। इस तों इलावा कहिंदे सिद्धू मूसेवाले दे बिना लाइसेंस दे व्यापारिक गीतां दी पेशकश करन दे नाल नाल NFT दे रूप च उस दे गीतां दे नाल नाल उहदे नाम दा व्यापारीकरण करना अते कलाकार IO वर्गियां संस्थावां नाल गठजोड़ करके बिना किसी अगाऊ इजाजत दे उहदे ई हस्ताक्षर की गैर कानूनी वरतों भी पूरी तरह दे नाल गैर कानूनी है। ये उन्होंने लिखा हुआ इंग्लिश अते पंजाबी दोनों दे विच पोस्ट पाई हुई है। हुण देखना होगा कि सलीम है जिहड़ा सलीम मर्चेंट उस दे वल्लों की फैसला लिया जाएगा।